कि विकास मल्टीकॉर्प जो हमेशा से न्यूज में रहा है, चाहे वो अपनी बल्क डील्स की वजह से हो, प्रमोटर का स्टेक हाइक की तरफ से हो, जो एफआई का स्टेक हाइक हुआ था, उसके बाद एफआई ने स्टेक हाइक किया बल्क डील्स के थ्रू, प्रमोटर्स का स्टेक रिड्यूस हुआ, अगेन इनके जो एक्विशंस थे जो फार्मा के अंदर उन्होंने एक्विशंस किए हैं रिसेंट टाइम में, एडविक लैब्स का, उससे पहले एफएमसीजी और हाइजीनिक प्रोडक्ट्स के जो इन्होंने बिजनेस एक्वायर किए, कंपनी का नेम चेंज करना, राइट इश्यूज को लेकर काफ़ी न्यूज में रहा है ये शेयर। तो देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी इसने नीचे के लेवल से वेल्थ क्रिएट करके दी थी, बट जो स्टॉक होता है हमेशा इस टाइप की न्यूज को रिएक्ट करता है, बट अगर ऑन ग्राउंड वो चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर स्टॉक जो है उसकी जो रियल वैल्यूएशन है उसके आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो बात करते हैं विकास मल्टीकॉर्प की, इसके कैसे फंडामेंटल्स हैं, कैसे रिजल्ट्स थे, कैसे रिजल्ट्स आ सकते हैं, किन चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए अभी, और किस प्राइस के ऊपर लेना चाहिए ताकि नीचे का जो रिस्क है कम हो और ऊपर के टारगेट्स अच्छे अचीव करते हुए दिखाई दें, तो कहां पर ये ट्रेड कर रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो प्रीवियस क्लोज आप देख सकते हैं 3.05 रुपए का था, बट यहां पर आप देखेंगे 3:30 बजे का है 3.05 रुपए, बट जो सेटलमेंट हुई है वो 3 रुपए के आसपास हुई है इसकी 4 बजे का, आप देख सकते हैं 9 अप्रैल को, तो 1.64% की गिरावट के साथ और 3 रुपए के ऊपर ही ये शेयर जो बंद हुआ है। आप देखेंगे रेंज अब इसकी काफी कम होती हुई नजर आ रही है, डे रेंज देखेंगे 3 रुपए और 3.10 रुपए की है, और 52 वीक रेंज देखेंगे 90 पैसे का लो है और 21.40 रुपए का 52 वीक हाई है। जैसे मैंने बताया नीचे के लेवल से अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी थी, क्योंकि जिस हिसाब से न्यूज आ रही थी, क्योंकि शेयर जो होता है उसी हिसाब से रिएक्ट भी करता है, और अच्छी न्यूज के ऊपर अच्छा रिएक्ट किया इसने, 21.40 रुपए तक गया 90 पैसे का शेयर, यानी 21-22 गुना के आसपास इसने वेल्थ क्रिएट करके दी। बट जैसे जैसे जो न्यूज थी उसका रिजल्ट्स के अंदर उसके रिवेन्यूज नहीं बढ़ना या उसके प्रॉफिट मार्जिन्स नहीं बढ़ना, नेट प्रॉफिट्स वैसे नहीं आना, तो कहीं ना कहीं वो गलत न्यूज थी या वैसी न्यूज नहीं थी जिस हिसाब से स्टॉक ने रिएक्ट किया, तो ऊपर के लेवल से काफी स्टॉक फिसलता हुआ भी नजर आया। आप देख सकते हैं यहाँ पर 21.40 रुपए का शेयर जो है ऑलमोस्ट अब 3 रुपए के आसपास ही काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके अंदर आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो 20 दिन के एवरेज वॉल्यूम 45,78,000 के आसपास के वॉल्यूम ट्रेड होते थे, बट फ्राइडे के सेशन में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 16,98,000 के आसपास के, यानी 17 लाख के आसपास के जो वॉल्यूम्स हैं ट्रेड हुए हैं। तो विकास मल्टीकॉर्प इस टाइप से आप देखेंगे शेयर को एक रेंज के अंदर फंसता हुआ नजर आ रहा है। 6 मंथ का अगर आप देखेंगे तो यहां से आप देख सकते हैं 10 रुपए का जो शेयर था ऑलमोस्ट 3 रुपए पे आ गया है। अगर 1 ईयर का जैसे मैंने आपको बताया यहां से शेयर जो चलना स्टार्ट हुआ था 1 रुपए के आसपास से 21.40 रुपए का बनाया और ऊपर से फिसलता हुआ नजर आया और 3 रुपए के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। रिजल्ट्स कब अनाउंस होंगे इसके ऊपर अभी कुछ भी इसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अनाउंसमेंट है क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडोज की है, बट अभी कब इसके रिजल्ट्स अनाउंस होंगे उस चीज की अनाउंसमेंट नहीं की गई है। शेयर कैपिटल इंक्रीज की थी 100 करोड़ रुपया जो ये रेज कर रहे थे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, नए एक्विजिशंस करने के लिए, तो बिल्कुल आने वाले टाइम में देखना होगा किस टाइप से ये रिजल्ट्स इनके आते हैं। तो मार्केट कैप जैसे मैंने बताया काफी छोटी कंपनी है, 199 करोड़ की मार्केट कैप है। आरओसी देखेंगे तो 8.08% का है, आरओई देखेंगे 3.07% का है। आरओसी आरओई जो कैलकुलेट्स होती हैं लास्ट के 4-5 क्वार्टर्स के ऊपर ही कैलकुलेट होती हैं, तो अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो ये आरओसी और आरओई दोनों ही आपको इंक्रीज होती हुई नजर आएंगी। डेट 40.6 करोड़ का है, डेट टू इक्विटी रेशियो जो बनती है 0.76 का है, बट कंपनी का मैनेजमेंट का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 22 तक ये जो डेट फ्री होती हुई कंपनी नजर आएगी। हाफ लोन इन्होंने इनका रिड्यूस हो चुका है, एसबीआई का जो था पे कर चुके हैं, जिसकी वजह से प्रमोटर ने कुछ स्टेक भी अपना सेल किया था और उसके थ्रू इन्होंने डेट को रिड्यूस किया है। तो रिजल्ट्स में कितना इंटरेस्ट ये पे कर रहे हैं वहां पर भी हम देखेंगे क्या कुछ डेट रिड्यूस हुआ है। प्लज जो शेयर है 0% है, इंडस्ट्री पी 37.1 की है जबकि स्टॉक की पी 1244 की काफी हाई है। इसके बाद अगर देखेंगे बुक वैल्यू 0.81 की है जबकि स्टॉक जो है 3 रुपए के ऊपर काम कर रहा है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू 3.72 है। वैल्यूएशंस अभी भी थोड़े से हाई नजर आते हैं, अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस जस्टिफाई होते हुए नजर आएंगे, बट अगर रिजल्ट सही नहीं आते हैं तो वैल्यूएशंस आपको यहां से भी ज्यादा नजर आएंगे। तो फेस वैल्यू 1 की है, डिविडेंड जो है पे नहीं करते हैं, 52 वीक हाई लो जैसे मैंने आपको बताया 21.40 रुपए और लो जो है 90 पैसे के आसपास का है। अगर शेयर की बात करें तो शेयर अब 50 DMA और 200 DMA दोनों से नीचे काम करता हुआ नजर आ रहा है।
50 DMA 3 रुपये 71 पैसे का है और 200 DMA 5 रुपये 60 पैसे के आसपास का है, और दोनों से ही नीचे काम कर रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स जो मैंने आपको पहले ही बताया, काफी वीक क्वार्टर्स के रिजल्ट्स इन्होंने पेश किए थे, जिसकी वजह से स्टॉक के ऊपर काफी प्रेशर बनता हुआ नजर आया था। सेल्स देखेंगे 9.43 के आसपास की निकाल के दी थी, जबकि इतने इन्होंने एक्विजिशन किए थे, चाहे वो हाइजीनिक प्रोडक्ट्स हो, फार्मा के हों, FMCG के हों, उसके बाद वो रिवेन्यूज बढ़ते हुए नजर आने चाहिए थे, जबकि यहाँ पर रिवेन्यूज गिरते हुए नजर आए हैं। और अब कोविड की जो पोजीशन है, लॉकडाउन अगेन या नाइट कर्फ्यू जो लग रहे हैं, या सैटरडे संडे के या वीकेंड्स के जो लॉकडाउन लग रहे हैं, कहीं ना कहीं अगेन कुछ इम्पैक्ट इसके रिवेन्यूज पे होता है नहीं होता, रिजल्ट के अंदर जरूर देखना होगा। अब देखेंगे कि जो सेल्स थी जून क्वार्टर में 3,65,00,000 के आसपास की थी, जबकि यहाँ पर 9,43,00,000 के आसपास ही है, जो कि रिकवर होनी चाहिए थी सितंबर क्वार्टर से भी, बट आपको यहाँ से डिप होते हुए नजर आएगी। पिछले दिसंबर में 47 करोड़ के आसपास की थी, वहां से सिर्फ 9 करोड़ के आसपास की है। ओपीएम परसेंटेज देखेंगे तो ये भी आपको माइनस में होती हुई नजर आएगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखेंगे 2.51, ये भी आपको माइनस में होते हुए नजर आएंगे। अदर इनकम का सहारा जरूर है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉफिट्स जो नेट प्रॉफिट्स हैं आपको 0.07 के प्लस में होते हुए नजर आ रहे हैं, 3.76 की अदर इनकम है। तो इस क्वार्टर में देखना होगा इंटरेस्ट कैसे ये पे करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इंटरेस्ट जो बर्डन था पिछले क्वार्टर में 1.97 का था और यहाँ पर 1.01 का है, तो आप देखेंगे डेट रिड्यूस होती हुई जरूर नजर आ रही है। तो मार्च क्वार्टर के जब रिजल्ट अनाउंस करेंगे तो इंटरेस्ट बर्डन के ऊपर भी बिल्कुल नजर रहेगी, क्योंकि जो कंपनी की मैनेजमेंट का कहना है कि डेट फ्री कंपनी हो जाएगी, तो क्या उसके ऊपर काम हो रहा है, तो उसके ऊपर भी नजर रखेंगे। तो आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे मार्च 2021 की, अगर ईयर ऑन ईयर से कंपैरिजन करेंगे तो सबसे बड़ी बात है लॉस था यहाँ पर, नेट प्रॉफिट जो थे लॉस में इन्होंने दिए थे 0.42 के। तो मार्च 2021 के रिजल्ट्स कुछ भी पॉजिटिव आते हैं तो ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आएगा। और दिसंबर क्वार्टर के भी आप देखेंगे 0.07, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर से कंपेरिजन करेंगे तो 0.07 से कंपेयर होगा, तो रिजल्ट जो है यहाँ से ठीक ठाक आते हुए नजर आएंगे, चाहे वो ईयर ऑन ईयर हो चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो। जो उम्मीद है जिस हिसाब से एक्विजिशंस हुए हैं बिल्कुल अच्छे आने चाहिए, यहाँ से इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें कि जो सेल्स ग्रोथ है कंपनी की पिछले 5 साल में 14% के आसपास की है और 3 साल में 16% के आसपास की है, और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 49% का CAGR है 5 साल का और 3 साल का 223% है। तो आप देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ भी ठीक है और प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का ठीक है, बट रिसेंट के जो कुछ क्वार्टर्स हैं वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स आती हुई नजर जरूर आ रही हैं। इसके बाद अगर देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न, जैसे मैंने बताया कुछ स्टेक ग्रुप प्रमोटर्स ने अपना सेल आउट किया है, 33.72 के आसपास का प्रमोटर का स्टेक इस टाइम नजर आता है, FI 13.18 का है। यहाँ पर भी जब नेक्स्ट क्वार्टर के ये अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न देंगे तो रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कुछ बल्क डील हुई है, जो अलबुला इन्वेस्टमेंट है इसने स्टेक अपना जरूर कुछ कम किया है, तो यहाँ पर देखना होगा कि पब्लिक की होल्डिंग जो 53.10 है वो कितनी आती है नेक्स्ट क्वार्टर की जब शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा। तो इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग हाथों में जरूर है, स्टिल रिटेलर्स के पास काफी ज्यादा होल्डिंग इसकी नजर आती है। विकास मल्टीकॉर्प ये थे फंडामेंटल, रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं, रिजल्ट्स कैसे आए हैं और किस टाइप की न्यूज के अंदर ये रहता है, तो वो सब आपने देखा। बट अभी जो हम चार्ट देख रहे हैं, वनडे का चार्ट है, ये स्टॉक इस लेवल से काफी ऊपर गया था, आप देख सकते हैं बिल्कुल नॉन स्टॉक ऊपर गया था, काफी सुर्खियों में रहा था, उसके बाद नीचे आया, यहाँ कुछ कंसोलिडेट किया, ऊपर गया अगेन, काफी बल्क डील्स इस लेवल पर हुई थी, उसके बाद स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉप कर रखी है 2.85 रुपए का, 24 फरवरी को इसने 2.85 रुपए का एक लो बनाया था, वहां से स्टॉक जो है अगेन 4 रुपए तक गया था, फिर जो स्टॉक है 2 रुपए यहाँ पर 90 पैसे तक नीचे आया और इस लेवल के ऊपर ये बना हुआ है। अगर ये 2.85 रुपए से नीचे की क्लोजिंग देता है तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसे ब्रेक करना, अगर कुछ भी बुरे रिजल्ट्स आते हैं या लॉकडाउन या कुछ भी स्मॉल कैप मिड कैप में करेक्शन होती है उस वजह से, किसी भी रीजन से अगर ये 2.85 रुपए को ब्रेक करता है तो ये स्टॉक जो है 2.20 रुपए तक भी जा सकता है। अगर इसको होल्ड करता है, रिजल्ट अच्छे आते हैं या कुछ एक अच्छा मोमेंटम दिखाता है तो यहाँ से ये स्टॉक जो है अगेन 4 रुपए तक पहुंचता हुआ नजर आएगा। एक 4 रुपए का रजिस्टेंस यहाँ पर अब बनता हुआ नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक 4 रुपए का रेजिस्टेंस है और एक रेंज के अंदर काफी टाइम से घूमता हुआ नजर आ रहा है। 28 जनवरी से देख सकते हैं इस रेंज के अंदर आया, 4 रुपए तक गया, फिर यहाँ पर नीचे का लो लगाया 2.85 रुपए, अगेन 4 रुपए तक गया, फिर अब देखेंगे पिछले कुछ दिनों से आप देखेंगे बिल्कुल ही नैरो रेंज के अंदर ये काम करता हुआ नजर आ रहा है, 10-20 पैसे की मूवमेंट है बिल्कुल ही और काफी नैरो रेंज के अंदर है।
दो रुपये 85 पैसे 90 पैसे के लेवल पे नजर रख सकते हैं। अगर इस लेवल पे मिलता है तो बिल्कुल लेना चाहिए, डाउनसाइड रिस्क कम रहेगा, बट एक रिजल्ट्स जरूर देखें, अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो बिल्कुल इसे इस लेवल पे ले लेना चाहिए। 2 रुपये 85 पैसे और 4 रुपये को ये टच कर सकता है तो 30-35% के रिटर्न्स ये इजीली दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये काफी अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है और 2 रुपये 85 पैसे को बिल्कुल रिस्पेक्ट कर रहा है। बट अगर क्लोजिंग बेस पे ये 2 रुपये 85 पैसे को तोड़ता है तो बिल्कुल इसमें से निकलना चाहिए और 2 रुपये 20 पैसे तक स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। रिजल्ट्स के ऊपर ध्यान रखिए, न्यूज के ऊपर ध्यान रखिए, अगर 2 रुपये 85 पैसे को तोड़ता है तो नीचे जा सकता है, अगर होल्ड करता है और रिजल्ट्स अच्छे आते हैं जो बिल्कुल 4 रुपये को टच कर सकता है तो भी 30% के आसपास का रिटर्न है। अगर 4 रुपये से ऊपर की क्लोजिंग देता है 3 दिन तक तो ये स्टॉक जो है 5 रुपये 40 पैसे तक भी जा सकता है, यानी यहाँ के लेवल से ऑलमोस्ट 80% के रिटर्न्स भी ये स्टॉक दे सकता है। बट आपको अभी नियर टर्म में 2 रुपये 85 पैसे पर नजर रखनी है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से स्टॉक को कंसिडर कीजिए। पेनी स्टॉक है, रिजल्ट्स काफी बेकार दिए हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स में। अगर रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, इंप्रूव होते हैं, फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं और यहाँ पर कंसोलिडेट करता है कुछ टाइम के लिए, एक अच्छा बेस बनाता है, उसके बाद इसे अकोमोडेट करना चाहिए। पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक की तरह ही पैसा लगाना चाहिए, कम पैसा उसके अंदर लगाना चाहिए और पेनी स्टॉक्स में भी डाइवर्सिफिकेशन करके चलना चाहिए, एक स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए, 4-5 स्टॉक्स को खरीद के चलना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।